सुप्रभात बच्चों, आप कुशल से होइएगा ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। तो आज भी आपका हिंदी ग्रामर ही है। हिंदी व्याकरण में मैं आपको कल रस पढ़ाया था। रस के संदर्भ में कुछ जानकारियाँ आपको दी थी और ये भी कह दिया था कि ये आपको डीप में मैं नहीं ले जाऊंगा अभी, इसलिए जो आपके सिलेबस का यह चीज़ नहीं है, विशेष जानकारी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ मोटा मोटी स्तर से। तो कल मैं आपको बतलाया था रस क्या है, तो काव्य की आत्मा को रस कहते हैं, उसके भी अनेक उदाहरण दिए थे। शरीर में जब आत्मा ही नहीं रहेगा तो उस शरीर का क्या महत्व है, उसी तरह साहित्य की यह आत्मा है। और यह भी बताया था कि किसी भी चीज़ को देखने में, सुनने में, करने में, बोलने में जो एक प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। आप नाटक देखते हैं, कुछ देर के लिए आपको बड़ा मनोरंजन आपके लिए हो जाता है, और जब बड़ा ध्यान से देखिएगा उस नाटक को तो आपको पूर्व का सारा सोच उस समय शरीर से समाप्त हो जाता है। केवल और केवल बस वही स्टेज पर जो नाटक हो रहा है उसी को आप एकाग्रचित होकर के देखिएगा, और देखिएगा तो अंदर से एक आनंद की अनुभूति होती है। उसी तरह बहुत ऐसा चीज़ है कि जिसको पढ़ने से भी आनंद की अनुभूति होती है, सुनने से भी आनंद की, तो वो जो आनंद की अनुभूति होती है वही ना रस हुआ। तो आइए, रस के बारे में मैं आपको बतलाया था कि इसके चार तत्व होते हैं, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव और अस्थाई भाव। तो सबसे पहला है अस्थाई भाव, उसके बाद है संचारी भाव, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये चार रस के तत्व हुए। इस चार में से अस्थाई भाव तो अस्थाई भाव ही होता है, लेकिन ये विभाव जो होता है इसके दो ब्रांच निकलते हैं, एक आलंब और दूसरा उद्दीपन। तो कोई बाहरी कारण से, मान लीजिए कि धूप, गर्मी, बरसात, किसी चीज़ को टच करना, ये सब बाह्य कारण हुआ। बाह्य कारणों से जब किसी चीज़ में परिवर्तन होता है उसको उद्दीपन कहते हैं। जैसे छुईमुई का पौधा है, अगर भूल से भी आप उसमें सट गए तो देखिए उसकी एक्टिविटी, सारा पौधा का पत्ता जो है सिकुड़ जाता है। तो यही है उद्दीपन। विभाव के दो भेद हुए, आलंब और उद्दीपन। फिर आइए, आलंब का फिर दो स्टेज है, आश्रय और विषय। ठीक है,
तो अस्थाई भाव के बाद हो गया विभाव, विभाव के बाद हो गया अनुभाव, अनुभाव के बाद हो गया संचारी भाव। तो अनुभाव के भी होता है सात्विक और कायिक, लेकिन यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। संचारी भाव कुल 33 होते हैं। अब आइए मैं आपको रस के बारे में ये बतलाना है कि रस के प्रकार कितने हैं। भरत मुनि के अनुसार रस 8 ही हैं, लेकिन मूलतः यह 9 है। बाद में चल करके 2 रस की वृद्धि और हो गई, 9 × 2 = 11 हुआ। तो रस के जो ये 11 प्रकार हैं वो है, एक में रस के प्रकार, हम अभी आपको रस के 11 प्रकार बतलाने जा रहे हैं, जिसमें पहला है श्रृंगार रस, इसी श्रृंगार रस के 2 खंड हैं, संयोग और वियोग, संयोग और वियोग, ये रस हैं। इसका अस्थाई भाव क्या है? इसका अस्थाई भाव है रति, इसका अस्थाई भाव रति है, हास्य रस। दूसरा है हास्य रस, हास्य का मतलब होता है हंसी, इसका अस्थाई भाव है हास, हास का मतलब हंसी होता है, और रति का मतलब एक दूसरे के प्रति प्रेम है ना, लेकिन कैसा प्रेम, वो एक माँ बेटे का प्रेम नहीं, बाप बेटे का प्रेम नहीं, एक नायक और नायिका का जो प्रेम होता है वो हुआ रति, वो प्रेम रति कहलाता है। चाहने की, एक दूसरे को चाहने की मन में जो उत्कल अभिलाषा होती है, तरह तरह के कल्पनाएं संजोए रहते हैं प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के प्रति, वही रति हुआ। तीसरा हुआ करुण रस, इसका स्थायी भाव हो गया शोक, दुख प्रकट करना, शोक प्रकट करना, ये करुण रस का हो गया। चौथा है रौद्र रस, रौद्र रस इसका होता है क्रोध, इसका होता है अस्थाई भाव क्रोध,
रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है? क्रोध। रौद्र भगवान शिव का रुद्रावतार हुआ था, रौद्र रूप में हुए थे, अर्थात पूरा क्रोध के मुद्रा में थे। एक बार, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, खैर छोड़िए इन बातों। उसके बाद वीर रस है, इसका स्थायी भाव है उत्साह। सैनिकों में अगर उत्साह नहीं होगा तो अपना क्या वीरता का परिचय देगा? वीर रस में आप अगर काव्य को पढ़िएगा या कोई पढ़ रहा सुनिएगा ना, तो उत्साह आपको एक नई ताजगी, नई उमंग आपके शरीर से प्रस्फुटित होगा। कवि भूषण वीर रस के कवि थे, है ना? भूषण अथवा कवि चंद, है ना? भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वो छंद नहीं। उनके छंद को पढ़ने से शरीर में बिजली की कौंध उत्पन्न होने लगती थी। इतने उनके छंद में, काव्य में इतना वीर रस भरा हुआ था। तो वीर रस का स्थायी भाव हो गया उत्साह। भयानक रस, इसका स्थायी भाव हो गया भयानक रस, इसका स्थायी भाव हो गया भय। भयानक रस, इसका हो गया भय। उसके बाद हो गया अगला रस है विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। जुगुप्सा का मतलब घृणा, जुगुप्सा का मतलब क्या होता है? घृणा। रति का मतलब क्या होता है? प्रेम। कैसा प्रेम? प्रेम तो संसार का सबसे बड़ा आलंब है कि मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करते हैं। माँ बेटे से प्रेम करती है, बेटा बाप से प्रेम करता है, भाई बहन से प्रेम करते हैं, बहन भाई से प्रेम करते हैं। लेकिन वो प्रेम फिर दूसरा हो गया, है ना? भगवान इष्ट के प्रति भी लोगों का अपना प्रेम होता है, लेकिन नायक और नायिका के बीच का जो प्रेम होता है वो प्रेम कुछ खास होता है। तो यहाँ रति का मतलब होगा वही प्रेम, हास का मतलब होता है हंसी। ऐसा काव्य जिसको पढ़ने से आपको हंसी होने आने लगे, यानी आप स्वतः हंसने लगे, नहीं तो वो अस्थायी भाव जागृत हुआ आपको और आप हंसने लगे। शोक क्रोध उत्साह भय तो समझ ही रहे हैं, जुगुप्सा भी समझ गए। अद्भुत रस,
एक रस का नाम है अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव विस्मय है। इसका भी अगर आप लोग नहीं जानते होइएगा तो विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। विस्मय का आश्चर्य होता है, ठीक है। उसके बाद तीन रस अभी और है, एक है शांत रस, शांत रस है, इसका अस्थाई भाव है निर्वेद। शांत रस का अस्थाई भाव है निर्वेद। निर्वेद का मतलब वेदना रहित, वेदना मतलब होता है पीड़ा। पीड़ा जिस व्यक्ति में, जिस व्यक्ति को अंदर से अगर पीड़ा है तो वो शांत रहेगा नहीं रहेगा। शांत रस का मतलब होता है कि बिल्कुल पीस, शांत। इसका स्थायी भाव है निर्वेद, वेदना रहित। इसका हो गया किसी प्रकार का कोई वेदना नहीं है, कष्ट परेशानी पीड़ा नहीं, तो वो हो गया शांत। उसके बाद है एक, ये तो हो गया आपका नौवां, दसवां हो गया वात्सल्य रस। इसका मतलब होता है वत्सल प्रेम। वत्सल का मतलब क्या होता है, बालक जो होता है ना, छोटा छोटा बालक, उसके प्रति जो आपका प्रेम उभरता है, उसके प्रति जो प्रेम की अनुभूति आपको होती है, वही रस हो गया वत्सल रस। अब जैसे मान लीजिए कि यशोदा हरि पालना जुलावे, हलड़ावे दुलड़ावे, जोई सोई कछुगावे, ये क्या हुआ, यशोदा श्री कृष्ण को बाल्यावस्था के रूप को पलंग पलना पर लिटा करके और उसको दुला रहे हैं, झुलवा झुला रही है, उसके प्रति, एक बालक के प्रति जो यशोदा को प्रेम की अनुभूति होती है, वही हो गया वात्सल्य रस, अने वत्सल प्रेम। नहीं, कभी भी कहता है कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पै जनिया, ये भी भगवान श्री राम के बाल्यावस्था के रूप का ही वर्णन कभी ने किया है, कि कल्पना किया है कि जिस समय भगवान श्री राम छोटे छोटे रहे होंगे, नहीं उनके पैर में पैजनिया रहा होगा, तो वो जो ठुमक ठुमक करके चलते होंगे, उनके पैर की पैजनिया जो है सो ध्वनि करता होगा, आवाज़ दिखलाता देता होगा, तो ये बाल्यावस्था की
कल्पना है, क्या है, बाल्यावस्था की कल्पना है। ये हो गया वात्सल्य रस, और एक होता है लास्ट भक्ति रस। भक्ति रस देखिए, हिंदू धर्म में ईश्वरों की कमी नहीं है, 56 करोड़ देवी देवता हैं, है कि नहीं। जिसकी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। हर व्यक्ति अपने अपने खास इष्ट देव, खास देवताओं को ज़्यादा विश्वास के साथ पूजते हैं। कोई हनुमान की आराधना करते हैं, कोई शिव की आराधना करते हैं, कोई भगवान श्री राम की आराधना करते हैं, कोई कृष्ण की, कोई शक्ति का के उपासक होते हैं, दुर्गा, काली, सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी। तो कुछ ऐसे होते हैं जो विघ्न विनाशक गणेश की आराधना करते हैं। कहने का मतलब ये है कि मानते तो सभी को है, लेकिन उन सारे देवी देवताओं में सबसे ज़्यादा लगाव किसी खास देवता या देवी से ही होता है, उसको इष्ट देवी, इष्ट देव कहते हैं। तो यहाँ जो है भक्ति रस इष्ट देव के प्रति भक्ति, इष्ट देव। इष्ट देव का मतलब समझ गया, खास देवता। जान जाते हैं ना, तो समझिए कि आगे भविष्य में जो आपको रस की पढ़ाई होगी तो आप तुरंत फॉलो कीजिएगा। कम से कम इतना जान लीजिए रस के तत्व और रस के प्रकार। तो रस के 4 तत्व होते हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अस्थाई भाव के बाद विभाव आता है, जो विभाव के 2 श्रेणी हैं, 2 भाग में बटे हुए हैं, आलम और उद्दीपन। फिर उद्दीपन का कोई श्रेणी नहीं है, कोई उसका आगे ब्रांच नहीं चला। आलम का चला, आलम के भी 2 भेद होते हैं, एक होते हैं विषय, एक विषय होते हैं और एक क्या होते हैं, एक विषय होते हैं और एक आश्रय होते हैं, है ना। ये आलम के 2 ब्रांच होते हैं, एक आश्रय, एक विषय। फिर आगे चलिए तो अनुभाव के 2 ब्रांच होते हैं, सात्विक और कायिक। इस सबको भी अभी आपको इग्नोर करके चलना है। और अगला है संचारी भाव। संचारी भाव कि कुल संख्या 33 होता है, ठीक है। ये हो गया। अब रस के प्रकार, जितने भी रस हैं उससे कौन से रस की उत्पत्ति होती है, वह काव्य या वह छंद पढ़ने से आपको किस रस की अनुभूति उसमें होता है, उसमें कौन सा रस व्याप्त होता है, तो वही मैं आपको लिख दिया। श्रृंगार रस में नायक और नायिका के प्रेम की ही बात होती है, कोई गृहस्थी की बात नहीं होती है कि पैसा नहीं है तो आटा कहाँ से आएगा, चावल कहाँ से आएगा, कुछ नहीं है ऐसा, ऐसी कोई बात नहीं। बस नायक और नायिका के प्रति प्रेम का एक दूसरे से इजहार करते हैं। तो वो हो गया रति, श्रृंगार रस रति। श्रृंगार रस के कवि विद्यापति जी थे, है कि नहीं। उसके बाद हास्य रस, हास हो गया, हंसी हो गया, हास्य कवि सम्मेलन
आप लोग देखे होइएगा, देखने का मौका मिलेगा। तो कवि महोदय अपने वाणी से, अपने काव्य रचना से आपको इतना ना हंसा देते हैं कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। नहीं तो वही वाहस करुण रस का मतलब होता है शोक, और रौद्र रस का मतलब होता है क्रोध, वीर रस का मतलब होता है उत्साह, भयानक रस का होता है भय, विभत्स रस का जुगुप्सा घृणा, अद्भुत रस का विस्मय। तो 11 है इसके लिए है करुण हास्य श्रृंगार मिलकर, क्या हुआ करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, तीन तीन छ हो गया। करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण नौ रस के सम्मान बना। तो यहाँ नौ रस का ही मोटा मोटी जिक्र किया गया है, लेकिन ये दो रस जो है पात्सल्य रस और भक्ति रस, ये तो बाद में आया है, बाद में जो है क्योंकि व्याक हमारे बड़े बड़े विद्वान व्याकरणाचार्य सब जो थे उन्होंने ये वात्सल्य रस और भक्ति रस को भी इस रस में ही जोड़ दिया। तो कल फिर कुछ दूसरा ही चीज़ मैं पढ़ाऊँगा। तो आज की पढ़ाई यहीं समाप्त की जा रही है। इस क्लास में जो बच्चे उपस्थित हुए हैं उन्हें मैं दिल से आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद।